हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एनटीए यूजीसी नेट सेट का जो एग्जाम्स है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट में, उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें। ऐसा हम क्या करें कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट का एनटीए यूजीसी नेट और सेट का जो एग्जाम्स है वो हमारा पहली बार में ही क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि काफी दिन से YouTube पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि पेड स्टूडेंट्स कोर्स ले रहे थे, उनके सारे डाउट सेशन चल रहे थे, काफी चीजें हो रही थी। अभी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, सर YouTube पर कुछ वीडियो अपलोड करें। तो क्योंकि कम एक एग्जाम जैसे आने वाला है और एग्जाम का टाइमिंग आपके पास कब एग्जाम है अभी इसका डेट नहीं आई है, तो कौन सा क्या प्लान फॉलो करें जिससे एग्जाम हमारा कम समय में एक एग्जाम आपका पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो मैं आपको पहला पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि हर बार लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो फिक्स है। सिलेबस में टॉपिक भी फिक्स है, टॉपिक भी सेम टॉपिक है, बट हर बार के एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट आ जाता है। अपकमिंग एग्जाम्स में टॉपिक सेम है बट क्वेश्चन डिफरेंट आ जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वो आपको फॉलो करनी है। मगर कौन सी एमसीक्यू फॉलो करनी है, जो पुराने पेपर्स में आई है वो वाली फॉलो करनी है, कुछ आपको जो अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाली है वो वाली एमसीक्यू भी आपके पास होने चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाऊं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक टॉपिक है लाइब्रेरी साइंस में, इस टॉपिक पर क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। अब क्वेश्चन तो ये टॉपिक सेम है पर हर बार के पेपर में क्वेश्चन बदल जाता है, तो ऐसा कैसे स्टडी करें कि क्वेश्चन कैसे भी बदले मगर उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चंस हमारा पेपर में छूटना नहीं चाहिए। तो इसके लिए इन चीजों की हमने अपने कोर्स जो बीएसआई एकेडमी का जो कोर्स हमने लॉन्च किया है, उस कोर्स में हमने इस चीज को रिड्यूस किया है कि हमने पूरे टॉपिक वाइज जो एमसीक्यू है, जो 10 यूनिट्स की है, उनमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू हमने उसमें यूज किए हैं, पुराने पेपर्स की भी यूज किए हैं, और कुछ अपकमिंग एग्जाम्स में जो एमसीक्यू आएंगी वो भी हमने उसमें लगाई है, तो उसको आपको फॉलो करना है। सेकंड थिंग कि आपको मार्केट की जो बुक्स है उनके भरोसे नहीं रहना, कि मार्केट की जो बुक्स है उनको फॉलो करना, बुक्स फॉलो करना है मगर उन पर डिपेंड नहीं रहना कि इन बुक से हमारा एग्जाम निकलता। अगर बुक से एग्जाम निकलता तो सारे जितने भी स्टूडेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं वो सारे क्वालिफाई हो जाते, सारे जीआरएफ हो जाते, सारे सेट हो जाते, पर ऐसा नहीं है। एक अच्छे मेंटर के अंडर में आपको तैयारी करनी है जिससे कम समय में उस मेंटर के गाइडेंस में आपको पूरी तैयारी करनी है जिससे एग्जाम को क्वालिफाई करना है। मतलब एक मेंटर का होना बहुत ज्यादा कंपलसरी। जैसे बीएसआई एकेडमी जो पूरा कोर्स लॉन्च किया हमने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, उसमें हमने थ्योरी लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं, उसमें क्विज भी बनाई हुई है, टेस्ट सीरीज उसमें बनाई हुई है, पूरे आपको 10 ईयर्स के पेपर के सॉल्यूशंस दिए हैं, और बिल्कुल बुक की कॉस्ट में उस कोर्स को हम लेके आ गए हैं। हमने ऑल ओवर इंडिया लेवल पे इस कोर्स को लॉन्च किया है, और जो भी स्टूडेंट्स अलग अलग स्टेट से यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके डाउट सेशंस भी होते हैं। डाउट सेशन का भी हम लोगों ने प्लान किया है कि स्टूडेंट्स को जो रिकॉर्डेड वीडियो प्लस पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट प्लस डाउट सेशन, इन चार चीजों को फॉलो करते हुए इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। ओके, तो सेकंड पॉइंट्स आपके लिए ये है कि मार्केट्स की बुक्स को फॉलो करना है मगर उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना, उनके लिए एक आपके अच्छे मेंटर के अंडर में आपको तैयारी करनी है। जैसे बीएसआई एकेडमी में 3 फैकल्टी ने मिलकर पूरा कोर्स डिजाइन किया है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, श्वेता मैडम ने, संदीप सर ने और खुद मैंने, 3 लोगों ने मिलकर ये कोर्स पूरा ज्वाइन किया। तीनों ही जीआरएफ है अपने अपने सब्जेक्ट में लाइब्रेरी साइंस में, और पूरे कोर्स को बहुत बारीकी से डिजाइन किया जिससे आपका एग्जाम निकले, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज निकलती है उसमें आपका अपॉइंटमेंट हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है। नेक्स्ट जो है कि आप लोग क्या करते हो, आप सोच रहे हो कि यूट्यूब चैनल फॉलो कर ले,
तो यूट्यूब चैनल से हमारा एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे पूरा मटेरियल नहीं होता। तो आपको यूट्यूब चैनल फॉलो करना है मगर उस पर डिपेंडेंट ही रहना, तो उसके लिए आपको पूरी तैयारी एक अच्छे पूरे कोर्स मॉड्यूल को लेके और उसमें सारी चीजों को लेके ही आपको स्टडी प्लान करनी है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है कि मॉक टेस्ट को मिस कर देते हैं स्टूडेंट। क्या करते हैं, थ्योरी पूरी पढ़ लेते हैं, मॉक टेस्ट नहीं देते। तो मॉक टेस्ट इज द एसेंशियल फॉर क्वालिफाई दिस एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इस एग्जाम्स को पहली बार में क्वालिफाई करने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा आपका कारण है, रीजन है कि मॉक टेस्ट को फॉलो ना करना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 80-20 के रूल्स को भी स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते। 80-20 का रूल्स भी हमने पहले बताया हुआ, फिर भी आपको फिर से बता रहा हूं, 80-20 के रूल्स को फॉलो नहीं करते। मतलब 20% और 80%, 2% होते 80 और 20। अब आपका जो अपकमिंग एग्जाम्स है उसमें 20% जो पेपर है वो पिछली बार का जो सिलेबस है, जो पेपर्स आए हुए हैं पिछले 10 साल के पेपर जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से 20% पेपर उनमें से आता है, मगर 80% पेपर नए क्वेश्चंस पे आता है, नए पैटर्न पे आता है, नए क्वेश्चंस हर बार, टॉपिक एक ही होते हैं मगर क्वेश्चन हर बार बदल जाते हैं। तो 80-20 के रूल्स को भी फॉलो करना है कि अपन को क्या करना है, पिछले 10 साल के पेपर्स को फॉलो करना है तो उनमें से 20% पेपर आ जाएगा, पेपर का पैटर्न समझ में आ जाएगा। बट जो 80% जो मटेरियल है वो अपकमिंग एमसीक्यू क्या होंगी उन टॉपिक्स की, उनको भी फॉलो करना है। तो हमने अपने पेड कोर्स में इन सारी चीजों को क्लियर किया है बारीकी से कि आपके कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन छूटे नहीं, थ्योरी नहीं छूटे, उसमें सारी चीजें हम अपडेट करते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि स्टूडेंट क्या करता है, सेल्फ स्टडी करता है और लोकल टीचर स्टडी लोकल टीचर से पढ़ता है। मतलब लोकल टीचर अच्छा टीचर, मैं ये नहीं बोल रहा सेल्फ स्टडी बेकार, मैं ये भी नहीं बोल रहा, मगर सेल्फ स्टडी करो मगर एक अच्छे मेंटर को फॉलो करो। आपका वो टीचर लोकल टीचर भी हो सकता है, आपके शहर का टीचर, अगर आपके शहर में वो टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन पैटर्न पर जाके उस टीचर को भी फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल फॉलो नहीं करते, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में कुछ पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल्स है, उस प्रैक्टिकल्स पे भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे उसको फॉलो नहीं करते। तो जो कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका लाइब्रेरी साइंस का पेपर जो है वो फॉलो नहीं पाता। और एक सबसे बड़ा रीजन और भी है, पेपर नंबर फर्स्ट, जो फर्स्ट पेपर है उसको बारीकी से नहीं पढ़ते, क्योंकि पहली यूनिट में जो 10 यूनिट्स है जैसे DI, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, RM, PMR, जो 10 यूनिट्स है यूनिट्स को आप बारीकी से फॉलो नहीं करते। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का क्या है, लाइब्रेरी साइंस बोला से हमने पूरा पढ़ रखा है, पेपर वन हमारा क्लियर नहीं है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हमारा पेपर वन क्लियर है, लाइब्रेरी साइंस के लिए नहीं। तो स्टूडेंट की बात मैं नहीं मानता, स्टूडेंट बोलता है हमारा ये क्लियर है वो क्लियर है, मैं इस बात को BSI अकेडमी इस बात को नहीं मानती। आप हमारे पैटर्न पर, हमारे स्ट्रेटेजीज पर, हमारे मटेरियल से आप इस एग्जाम्स को एक बार देखो 100% एग्जाम्स क्वालिफाई हुआ, क्योंकि हम बारीकी से जितने भी सब्जेक्ट्स UGC नेट के हमारे अकेडमी में चल रहे हैं, हम बारीकी से उस जो हमारे मेंटर है, जो हमारे एजुकेटर्स है, और उस चीज को बारीकी से पढ़ के उसको ध्यान दे के उस कोर्स को बनाया हुआ है। तो सबसे अच्छी बात है, जो पूरा जो कोर्स है हमारी अकेडमी का, अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो, इसमें रजिस्टर करना चाहते हो सेट एग्जाम के लिए, UGC नेट और JRF एग्जाम्स के लिए लाइब्रेरी में सब्जेक्ट में, तो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको पूरे आपको बताएंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव से वो आपको खुद आपको समझाएंगे कि किस तरह से आप इस कोर्स के क्या क्या फीचर्स हैं। कोर्स के फीचर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस व्हाट्सएप पर जाके हमें मैसेज करें तो एक समय लेके हम आपको डिटेल पूरा डिस्कशन करेंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कोर्सेज को, और सबसे अच्छी बड़ी बात है कि आप डेमो लेक्चर जरूर चेक करें, डेमो लेक्चर चेक करें कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के डेमो लेक्चर किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि सिलेबस वही है, टीचर भी वही है, फिर भी ये एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होता क्यों? तो इसके लिए एक JRF क्वालिफाइड, हम जसवेदा मैडम है, संदीप सर है, हम खुद है, तो हम लोगों ने एग्जाम एक दो बार नहीं, कई बार एग्जाम क्वालिफाई किया है, कई बार JRF निकाला है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जैसे अकेडमी ज्वाइन करें, मगर ऐसी अकेडमी ज्वाइन करो जहां पर आपको एक अच्छे मेंटर के अंडर में स्टडी करने का मौका आपको मिले।
ओके तो कुछ चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको समय समय पर वीडियो आपके सामने अपडेट करते रहेंगे हम लोग। और स्टूडेंट की डिमांड आ रही है कि सर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दो, सर टेस्ट सीरीज स्टार्ट करो, तो अब हम थोड़े समय में लाइब्रेरी साइंस की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। ओके तो इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो स्टूडेंट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस सब्जेक्ट को लेकर यूजीसी नेट और सेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी हम लोग करा सकते हैं। और लाइब्रेरी सर और भी जो एग्जाम्स हैं, जैसे केबीएस के एग्जाम्स हैं, एनबीएस के एग्जाम्स हैं, डीएसएसबी के एग्जाम्स हैं, स्टेट पीएससी एग्जाम्स हैं, कई सारे एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट होते हैं, उन सारे एग्जाम्स की तैयारी बीएसआई एकेडमी में आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप करें, हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन उस पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। और जिस भी टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए, वो टॉपिक आप हमें सेंड करें, व्हाट्सअप करें या हमें कमेंट करें, तो उस टॉपिक पर अपकमिंग वीडियो आपके लिए क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नई एनर्जी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।